आप हेन रोजन में स्वागतम स्वागतम संगीता सिंह जोशी स्वागतम 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पौर मतदान को अल्प दिन बाकी अच्छी यार भितर नेता एवं प्रार्थी माने जोरदार कैंपेनिंग करुचंती एवं डोर टू डोर बुली भोट भिक्षा करुचंती निज दलर समर्थित प्रार्थी को जितेबापाई। तबे बलांगीर राजनीति में मध्य तीन प्रमुख दल प्रचार जोरदार करिसंती एवं भारतीय जनता पार्टी आज बलांगीर म्युनिसिपालिटी 21 टी वार्ड में प्रति गली कंदी में प्रचार करुचंती एवं निजे सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव प्रचार मंग धरी एवं 21 टी वार्ड आज से शोभा यात्रा एवं करी भोट यात्रा भोट भिक्षा करिवार कार्यक्रम रही। तबे वर्तमान बलांगीर 6 नंबर वार्ड रे अछंती बरपाली पड़ा रे एवं सेठारे मध्य तांको सहित जो निवृत्ति कुमारी सिंहदेव अछंती एवं जे चेयरमैन प्रार्थी रही सबिता बार्ला एवं जो काउंसिलर प्रार्थी मध्य रही। तबे मैडम आपण अनेक निर्वाचन सभा रे अनेक प्रसंग उठाउछंती जहाँ बलांगीर एक बड़ समस्या से बाइपास कथा हो एवं जो बस्ती बासिंदा जमीपटा कथा एवं या सहित म्युनिसिपालिटी अनेक परिमल व्यवस्था वर्तमान विपर्यस्त 15 वर्ष धरी शासक दल रखी थे बलांगीर पौर परिषद को एवं 8 वर्ष है निजे कांग्रेस विधायक नरसिंह मिश्र बलांगीर जिला को बलांगीर सदर आसन को प्रतिनिधित्व करुँच बलांगीर जो म्युनिसिपालिटी रही या दखल पर बीजेपी स्वतंत्र रणनीति कौन रही आपड़ जेहेतु निर्वाचन प्रचार मंग धरी निज दल प्रार्थी को जितेबापी तेज कौन स्ट्राटेजी ए 15 वर्ष बनाम 8 वर्ष किंतु परिवर्तन चाहूँगी जो गोटे आप हैशटैग कथा कहते चेंज कथा कौन से गुड़ाक सुनन आमर मुख्य मुद्दा हूँ विकास आओ इने मुई देखुची कि लोक माने भी परिवर्तन चाहूँ से मुई कहली हैशटैग वोट फॉर चेंज कहीं समस्ते परेशान हो जाइन आउ विकास रो कथा तो छाड़न क्लीनलीनेस ही मेंटेन नहीं करी पारुछन मुई एबे मोर स्पीच रे कही कि इटा कोविड रो युग जेन प्रकार आमर सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री कोविड रो सामना करिछन कि आज से गोटे ग्लोबल लीडर हिसाब रे आइडेंटिटी पाइछन आउ आमर जिल्ला रे जदि म्युनिसिपल एरिया रे आमे क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करी पारुछू तो इटा दुखर कथा सबू सुविधा से माने पाउछन अनेक केंद्र योजना रो टंका आसुची महारानी सागर रो क्लीनलीनेस पाई भी आसी थला 25 कोटी टंका काणा करिछन कहि नहीं पारे तो बलांगीर रो जनसाधारण को जवाब मांगबार अधिकार अच्छे कि नहीं कि 15 बरस तुम्हें चेयरमैन पोस्ट रे थिलो 5 थर बीजेडी राज्य रे शासन करी आसी केते बरस दरकार मोदी जी मात्र 7.5 बरस रे पूरा देश रे गोटे विकास रो वातावरण सृष्टि करी देले इमान को केते बरस इथर आमे अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करुछु इंडिपेंडेंस रो आउट ऑफ दैट 60 बरस तो पाखा पाखी कांग्रेस देश रे राज करी छी केते बरस से मान को दरकार ई विकास आनबार पाई कि परिवर्तन आनबार पाई आपण विभिन्न वार्ड को जाउचंती सेठारे मध्य लोक बहुत मात्रा रे जोग देउचंती एवं इंस्पायर मध्य होउचंती लोक केते चेंज मुई भावुची लोकमान कर माइंड पंचायत इलेक्शन रे भी मेडअप थिला आउ मीडिया रो बंधु माने हमको कहले कि हमर परिस्थिति भल थिला परंतु हाँ मिस्ट्री अच्छी कि हमें हमर रिजल्ट एत्ते खराब केंता करी बारला सेटा के छाड़ून हाँ परंतु एबे म्युनिसिपल इलेक्शन रे क्लियर कट लोकमान कर मैंडेट हमको भी दिसुची कि से माने बिल्कुल फेड अप है जाइछन आउ युवा पीढ़ी रे बेसी पेशेंस रो इक्वालिटी नहीं से मान कुछ सबु रिजल्ट क्विकली दरकार धैर्य एते तांकर नहीं तो हमको भी से प्रकार डिलीवर करबा के पड़वा ना आमे नहीं कही पारमू कि आमे 25 बरस राज करी छु आउ 5 बरस दियो तार परे नाली निर्माण आमे करमू परिमल व्यवस्था सुधारे आहरी समय जो कथा कहा जाए से मध्य गोटे प्रकार मुख्य प्रसंग हे जे आपण पटनागढ़ प्रचार करुले पंचायत निर्वाचन में बापा जड़े वरिष्ठ विधायक रोते मंत्री थे राजनीति को अति निकट रू देखी माँ सांसद अच्छा तो कमी देखुं बलांगीर पॉलिटिक्स के एवं जो राजनीति कथा आसूचे वर्तमान युव भोटर अनेक रही बलांगीर पौर परिषद हो पंचायत निर्वाचन में तो लोकंर जो ग्राउंड जीरो रु आप देखुं प्रचार करुँच लोकंर मुड कमी रोचे भारतीय जनता पार्टी सपक्ष एथर मध्य पौर
ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ 3 ବର୍ଷର ଥିଲି ଯେବେ ମହାରାଜା ସାହେବ ଓ ମହାରାଣୀ ସାହେବ ବିଜେପି କେ ଜଏନ୍ କଲେ। ଏବେ 35 ଇୟର୍ସ ହେଲାନ ସେମାନେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ, ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ଅଛି, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି। ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି, ମୋର ପରିବାର ଅଛି ଏଇଟା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି କି ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର, ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଲୋକକୁ କରପ୍ଟ କରୁଛନ୍। ମିଲ୍ଛା ଭୁଜି, ହାତି ଛାପ, ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ଫିକି କରି ଆମକୁ ସେ ଗରିବ ରଖବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଅଣ୍ଡର ଡେଭେଲପ୍ଡ ରଖବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ତାକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଫେକି କରି ଆମକୁ ଆମର ଆଡ଼ୁ ଭୋଟ ନେବେ। ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନକେ ମାନିକରି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଦେବେ କି ଆମକୁ ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେମୁ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କରପ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଦେଖମା, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁଁ କି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏଇଟାକେ ବୁଝିବେ ଆଉ ନିଜେ ସେ ଚେଞ୍ଜକେ ଆଣବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଆପଣ ନୂଆ କରି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ଼ ପରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଯେଉଁ ମତଦାନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ? ଏଥର 101% ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପୁରା ଆଶା କରୁଛୁ, 101% ଆମକୁ ମିଳିବା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକେ ସମୟ ବତାବା ନିଶ୍ଚୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ପରିପରିଷଦ ଜନମତ ଯିବ ଏବଂ ଏହି ଜନମତ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମତଦାନ ଯେହେତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ ତାହା ମତଦାନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।